तो ये लोग किस पे डिपेंड करते थे लोग अगर इनके ऊपर दया दिखाकर इनको खाने पीने के लिए कुछ दे देंगे तो वैसे अदरवाइज ये लोग अपना दिमाग चलाकर किसी ना किसी को बेवकूफ़ बना ही लेते थे सो थ्री और फोर सेंचुरीज अगो लाइक थ्री हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड ईयर्स अगो इन बोहेमिया एक सोल्जर एक विलेज में आया इट वॉज अ ड्रैप थ्रेड बेयर काइंड ऑफ अ प्लेस ड्रैप मीन्स डल थ्रेड बेयर मीन्स ओल्ड सो काफ़ी पुराना वो विलेज था लेकिन वो बट ही वॉकड इन टू द विलेज स्क्वायर मतलब विलेज का जो तो चौराहा था क्रॉस सेक्शन था वो मेन एरिया जो होता है वो वहाँ आया एंड अनलोडेड इज मेयर किट क्या किट था उसमें मेगर किट अ रफ लेदर पैक अ हॉर्स हेयर ब्लैंकेट एंड एन आयरन कुल्ड्रॉन सो फ्रॉम हेयर अ क्वेश्चन विल अराइज दैट क्वेश्चन मे कम इन एग्जाम लाइक वॉट वेर द बिलोंगिंग्स ऑफ द सोल्जर सो अ रफ लेदर पैक अ हॉर्स हेयर ब्लैंकेट एंड एन आयरन कुल्ड्रॉन वॉट इज अ कुलड्रॉन see this this is an iron cauldron which he carried on his back like a hump fir wo apne aap ko stretch kiya coat khola apna and apna sara saman rakha aur pavement mein raat tak baithne ke liye settle ho gaya almost at once he felt a certain hostility among the pass passers by मतलब जो भी लोग क्रॉस कर रहे थे वो इसको फ्रेंडली एटीट्यूड से नहीं देख रहे थे देखकर सोचते थे, थे कि ये क्यों आ गया a grumpy resentment

एंड आई विल नॉट टॉलरेट नो गुड फॉर नथिंग हेयर वी हैव माउथ्स ऑफ आर ओन टू थिंक ऑफ मतलब हम लोग को खुद अपने फैमिली को चलाना होता है कोई इतना रिच नहीं है कि वो फ्री में किसी और को खिलाते रहेगा तो हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाले डू यू हियर मी यंग मैन सेट दिस हॉरिड पर्सन हॉरिड मीन्स हॉरिबल पर्सन द सोल्जर हर्ड ऑल टू क्लियरली इफ ओनली बिकॉज द बर्गो मास्टर वॉज नाउ बिलोइंग एट द टॉप ऑफ हज बॉयज एंड द लिटिल क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड हिम वॉज इकोइंग हिज वर्ड्स विद एवरी साइन ऑफ अप्रूवल बर्को मास्टर इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो इवेंट को देखकर आसपास के लोग भी आ गए और सब यही सोल्जर को समझा मतलब बोल रहा था या उनके बिहेवियर से समझ में आ रहा था कि सोल्जर को यहाँ से चले जाना चाहिए नॉट अ बीन विल आई गिव हिम यंग मैन विथ अ वॉट ऑन हर नोज वॉट मीन्स मस होता है इंग्लिश हिंदी uh, में सो अ ड्राई आउट ग्रोथ ऑन फेस और एनी बॉडी पार्ट तो शी हैड अ वॉट ऑन हर नोज शी शी सेड दैट नॉट अ बीन विल आई गिव यू मतलब एक दाना भी नहीं देंगे नॉट अ सिंगल पी पॉट वी आर रेस्पेक्टेबल फोक हेयर सेट अनदर सुन द होल स्क्वायर वॉज मरमरिंग डिसग्रीबली कोई भी सोल्जर के साथ अग्री नहीं कर रहा था एंड द सोल्जर माइट विल हैव बिन फॉर गिवेन इफ ही हैड फेल्ट अटिल रिस्पॉन्डेंट ये बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हुआ ये सब बात सुनकर अगर किसी को चले जाने बोलेंगे कहीं से तो उनको उसको बुरा लगेगा लेकिन सोल्जर को कुछ नहीं हुआ इन ही वॉज नॉट डिसहार्टेंड एट ऑल वो एकदम चेयरफुल था हैप्पी था ही स्वेट ऑफ इस रेड कैप मेड अ मॉक बो टू द असेंबली विंक्ड एट द वमेन विद अ वॉट ऑन हर नोज एंड सेड ये बल्कि वहाँ इन्जॉय कर रहा है वो अपना कैप हटाया बो किया लोगों को वुमेन को देख कर वो विंक किया आँख मारा और बोला ऑल राइट फ्रेंड्स ऑल राइट मिस्टर बर्गो मास्टर सर डोंट वरी आई वोट आस्क अ थिंग फॉर ऑफ यू हम कुछ नहीं मांगेंगे बस हम यहाँ एक रात गुजारेंगे और फिर हम चले जाएंगे एंड द मॉर्निंग आई विल भी ऑन माई ओन वे आई नो हाउ यू फील एंड आई डोंट ब्लेम यू क्योंकि हम लोग सोल्जर हैं वी कैन बी अवस इन समटाइम्स हम लोग कभी कभी ट्रबल दे सकते हैं लोगों को तो आप लोग परेशान मत होइए हम बस अपना आयरल कुल्ड्रॉन आयरन कुल्ड्रॉन साफ़ करेंगे एंड रब द इनसाइड ऑफ द पॉट इन अ डिसल्ट्री सॉट ऑफ वे डिसल्ट्री मतलब बस टाइम पास के हिसाब से वो साफ सफाई में लग गया कोई प्लान नहीं था उसका अपने हैंकर चिप से जस्ट प्रिपेयर द क्रॉकरी मेक माइ सेल्फ नाइस बोल ऑफ स्टोन सूप बोल रहा हैं हम अपना क्रॉकरी प्रिपेयर कर रहे हैं सूप बनाएंगे और सो जाएंगे एंड सो सेंग ही पुल्ड आउट ऑफ हिस् पैक टू लार्ज स्टोन्स दो लार्ज स्टोन निकाला और उसको पानी में डाल दिया फिर फायर जलाया और सेटल हो गया वेट कर रहा था कि वो बॉयल होगा सूप फॉर द ब्रू टू बॉयल द सोल्जर्स लुकड ऑन स्टूपीफा स्टुप स्टूपीफाइड स्टोन स्टूप वॉज द मैन मैड जस्ट स्टोन्स इन वाटर वॉट काइंड ऑफ स्टोन वॉज ही अ मजिशियन अब बोल रहा है कि यह कैसा है सब लोग स्टूपिड के जैसे देख रहे हैं उसको स्टुपीफाइड मीन्स जस्ट लाइक स्टुपिड यह इंसान पागल है क्या पानी में स्टोन डालने से कैसे सूप बन जाएगा ये कोई मजीशियन थोड़ी है हु हैज़ एवर हर्ड ऑफ सचेज दूप रन द मर्मर अराउंड द स्क्वायर मतलब उस जगह पे सब लोग बात करने लग गए कि जस्ट स्टोन से सूप कैसे बन जाएगा ऑल राइट दैन सेट दोल्जर स्टरिंग द पॉट विथ अ वुडन स्पून डोंट अपसेट योर सेल्फ इट इज़ जस्ट अ लिटल प्री हिस्टोरिकल रेसिपी अब ये उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया वो बोलता है तुम लोग कोई अपसेट मत हो ये एक्चुअली प्री हिस्टोरिकल रेसिपी है एक सेंट का हम जान बचाए थे जब उसको वाइल्ड एलिफेंट्स डरा रहा था मारने वाला था तब हम उसका जान बचाए थे तो वो हमको ये दो स्टोन दिया एज अ ग्रैटिट्यूड थैंक थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए और ये सूप में पावर है कि ये सबसे डिलीशियस सूप बना सकता है ये स्टोन में वो पावर है द मोस्ट माउथ वाटरिंग सूप दैट एवर अ मैन टेस्टेड स्टोन सूप फ्रॉम चाइना एंड टेकिंग अ लिटल वाटर इन ए स्पून ही सिप्ड इट एंड रेलिश मतलब जैसे अगर कोई डिश प्रिपेयर होता है तो हम लोग बीच बीच में उसको टेस्ट करते हैं टू चेक द टू चेक वेदर ऑल द इनग्रीडियंट्स आर ओके और नॉट सो वैसे वो उसको टेस्ट कर रहा था और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कितना टेस्टी सूप बन रहा है हम्म कमिंग वेरी नाइसली वो बोल रहा है कि हाँ टेस्ट अब आना शुरू हो रहा है सेट ही वेल द पेजेंट्स वॉज इन पैफल्ड साइलेंस सब लोग कन्फ्यूज होकर उसको देख रहा दिस इज द वेरी सेम सूप दैट अलेगजेंडर ड्रैंक द नाइट बिफोर ही स्टोम द पिरामिड्स स्टोन सूप फ्रॉम चाइना एलेग्जेंडर पिरामिड्स को अटैक करने के पहले यही सूप पिया था स्टोन सूप फ्रॉम चाइना द सूप फॉर हीरोज़ तो यू ऑल लुक अ फ्रेंडली लॉट ऑफ पीपल आई लाइक योर फेसेज तो चलो हम तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा बना देते हैं ऐसे भी कुलड्रॉन तो बहुत बड़ा है जब बस हमको थोड़ा सा पानी डालना है दैट्स इट स्टोक अप द फायर गिव इट अ स्टर देयर वी आर देन अनफ फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव अ बो फुल वो बोल रहा है एक बोल तो पूरा मिल ही जाएगा सबको एक एक करके बोल थोड़ा बस क्वांटिटी बढ़ा देते हैं द सिटीजन्स वेर टेकन अ बैक टेकन अ बैक मतलब वो लोग सरप्राइज हो गया आई यू ट्राइंग टू टेल मी सेट द बर्गो मास्टर सीवियरली दैट ऑल यू नीड टू मेक योर सूप इज जस्ट दीज टू स्टोन्स एंड अ पॉटफुल ऑफ वाटर बर्गो मास्टर बोल रहा है तो क्या तुमको सूप बनाने के लिए बस पानी चाहिए और पत्थर चाहिए दिट्स ऑल सर रिप्लाइड द सोल्जर नथिंग मोर नॉर लेस टेल यू वॉट स्टोन सूप और भी टेस्टी होगा अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे अगर कैरेट डाल देंगे तो और फ्लेवर आएगा कॉलीफ्लावर इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग एनीबडी गॉट अ बिट ऑफ ग्रीन स्टफ टू थ्रो इन कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं तो ये बेस्ट होगा वाइल आई मेक श्योर द स्टोन्स आर फर्मेंटिंग प्रॉपरली द प्रजेंट्स लुक डैट ईच अदर शिपिसली शिपिसली एंड सस्पिशियसली मतलब सब एक दूसरे को देख रहा था कोई भी सब कन्फ्यूज था कि सोल्जर के बाद में आकर उसका हेल्प करें या नहीं करें नो बडी वॉन्टेड टू मूव फर्स्ट नो बडी वॉन्टेड टू एडमिट हिज क्यूरियोसिटी नो बडी वॉन्टेड टू मेक अ फूल ऑफ हिमसेल्फ सब लोग पहले तो बर्गो मास्टर को रिजेक्ट कर दिया बर्गो मास्टर के अगेंस्ट बोला अब उसके बाद में आ जाएंगे तो हर कोई ये सोच रहा है कि हम उसके बाद में आ जाएंगे बर्गो मास्टर सॉरी सब लोग पहले सोल्जर को गलत बोला अब अगर सब सोच रहा है कि हम लोग सोल्जर के फेवर में बोल देंगे तो लोग हम लोग को बेवकूफ समझेगा कि पहले अगेंस्ट बोला अब फेवर में बोल रहा है तो कोई उसका हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ा लेकिन सबका मन था बट सडनली अ कॉमन इम्पल इम्पल्स ओवरकेम दम ऑल सब लोग एक साथ में किया कि चलो ठीक है हम लोग हेल्प करेंगे वेल द सेट जस्ट अ पीस और टू कुड डू नॉट कुड नॉट डू एनी हार्म वो बोल रहा है कि वो लोग सब अपने मन में सोच रहा है कि एक दो गाजर डाल देंगे थोड़ा बहुत मटर डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा तो थोड़ा बहुत डालना शुरू कर दिया अ हैंड फुल ऑफ पीज अ पेयर ऑफ टोमैटोज एंड सो ऑन स्टोन सूप अब सबके लाइफ के लिए एक नया चीज़ था वन बाय वन दिसप्ड अवे एंड केम बैक विथ द कंट्रीब्यूशन सब अपने अपने घर पे गया और थोड़ा बहुत सामान लेकर आया स्प्लैश वेंट हाफ अ टर्निप मतलब तुरंत उसमें टर्निप गया पोटैटो कैबेज अनियन पीज इस तरह से सब कुछ सूप में ऐड होने लग गया और वो इतने देर में पानी बॉयल हो चुका था स्पलेंडेड सेट द सोल्जर हो अ डिनर वी आर गोइंग टू हैव वन एंड ऑल ऑफ अस इन दिस बिन वॉलेंट एंड हॉस्पिटेबल विलेज मतलब इतना काइंड और इतना फ्रेंडली विलेज है कि इसमें एक साथ डिनर करेंगे तो मज़ा आएगा इट इज़ नॉट एवरी नाइट ऑफ द वीक दैट यू हैव स्टोन सूप इन बोहेमिया मिस्टर बर्गो मास्टर सर वो बर्गो मास्टर को बोल रहा है कि बोहेमिया में ऐसा हर रात थोड़ी होता है कि आपको डिनर में ये सूप मिले एंड दस एवरी वन एंड दस कैरिंग दैम अलॉन्ग विद अ जोक फॉर एन ओल्ड वुमेन अ डिंग एट अ पोटली मर्चेंट एंड अ लिटिल फैक्टरी फॉर द बर्गो मास्टर एंड अ फ्लड ऑफ एनिकोट्स अब सोल्जर क्या कर रहा है सबको लेकर जो सबके ऊपर जोक्स क्रैक कर रहा है सबका मजाक उड़ा रहा है सबको हंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो और ज्यादा फ्रेंडली हो जाए द सोल्जर हैड ऑल द सिटीजन सिटिंग अराउंड हिम वंडरिंग एंड एक्सपेक्टेंट अंटिल एट लास्ट द सूप वॉज रेडी वो लोगों को एक्चुअली टाइम पास कर रहा था ताकि कोई सूप के बारे में बात ना करें इट्स नरिशिंग वेपर्स वेअर वॉफ्टिंग अराउंड द स्क्वाफ्टिंग मीन्स हल्का हल्का वो धुआं वे स्टीम उसका उड़ रहा था अ पाइल ऑफ बोल्स हैड अपियर्ड एंड दे ऑल सेट ऑन द पेविंग स्टोन्स द सोल्जर इन द मिडल सिपिंग द स्टफ एंड विथ इन्फाइनाइट सेटिस्फैक्शन सब सोल्जर को घेर के आसपास बैठ गया सोल्जर सूप ऐसे टेस्ट कर रहा था जिसे कितना टेस्टी सूप है एक्सक्यूसट दर्गो मास्टर हु प्राइडेड हिमसेल्फ ऑन नोइंग अबाउट द फूड बर्गो मास्टर कमेंट दे रहा है एक्सक्सिड मतलब कितना अच्छा है मैग्निफिसेंट सेट द पोटली मर्चेंट हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग रियल टेस्टी आई मस्ट सी ऑब्जर्व द वमेन विद अ ऑन ऑन द नोज सी यूल हैव टू लर्न दिस होल पैराग्राफ बिकॉज अ क्वेश्चन विल कम इन एग्जाम दैट वॉट वेर द रिमार्क्स मेड बाय द विलेजर्स अपॉन टेस्टिंग द सूप कि सब सूप टेस्ट करने के बाद क्या क्या बोला

वो खुद को देखकर क्यों स्माइल मतलब वो खुद अंदर ही अंदर खुश क्यों हो रहा था कि वो कितना इजीली वो विलेज में अपने लिए एक प्लेस बना लिया रहने का उसको जगह मिल गया और वो कितना इजीली लोगों को बेवकूफ़ बनाया सो दैट इज़ वाई ही चकल्ड टू हिमसेल्फ